कुछ दिन पहले हमने अपने पहले पोजेशन की अनाउंसमेंट की। अल्हम्दुलिल्लाह उस अनाउंसमेंट के ओवरसीज़ वन और एग्जीक्यूटिव वन ब्लॉक शामिल है। थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता चलूं कि ओवरसीज़ वन जो ब्लॉक है वो मार्च 2018 में हमने उसकी सेल्स शुरू की, जून 2018 में उसकी क्लोजिंग हुई। और इस पैंडेमिक के हालात के बावजूद हमने उसका पोजेशन 2 साल के अंदर तकरीबन अनाउंस कर दिया। यहाँ ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि हमने जो ओवरसीज़ वन का जो पोजेशन है सेक्टर वाइज जो अनाउंस किया हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हर मंथ में इसलिए किए ताकि ईजीली हम इस प्रोसेस को आगे लेके जा सकें। हमारा ओवरसीज़ वन सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा कंप्लीट है। इसके अलावा भी कोई लोग जो पोजेशन लेना चाहेंगे हम उनको भी दे देंगे। जैसे कि रिसेंटली हमने कुछ क्लाइंट्स जिन्होंने 100% पे किया हुआ था, ओवरसीज़ के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने पोजेशन मांगा डिफरेंट ब्लॉक में जो अनाउंसमेंट में नहीं भी शामिल थे, उनको भी हमने अनाउंस ऑफर कर दिया कि वो भी पोजेशन ले सकते हैं। इसी तरह जो एग्जीक्यूटिव वन ब्लॉक है वो हमने मई 2019 में अनाउंस किया। उससे पहले हमारे पास एक जनरल ब्लॉक था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने एक पॉलिसी दी थी, उसमें बहुत सारे जो हमारे जनरल ब्लॉक के क्लाइंट्स थे हमने उनको ऑफ़र की थी कि अगर वो इस एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो शिफ्ट हो सकते हैं। उसकी एक पॉलिसी थी, उसके तहत तकरीबन आप समझ लें 97% लोग ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर शिफ्ट हो चुके हुए हैं। इसके अलावा और भी जो लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में आज भी शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो सिर्फ अपनी कन्फर्मेशन और 2 इंस्टॉलमेंट्स देके 10 नवंबर तक वो शिफ्ट हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर। और साथ ही इसका भी हमने पोजेशन ब्लॉक बी का अनाउंस कर दिया हुआ है, और ये भी तकरीबन सिर्फ अभी 1 साल और कुछ महीने का अरसा हुआ है जिसके अंदर ही हमने अनाउंस किया है। इसके अलावा आज की तकरीब में इंशाल्लाह हमने फॉर्मल ग्राउंड ब्रेकिंग भी रखी हुई है। ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक जो न्यूली लॉन्च हमारा ब्लॉक है और हार्मनी पार्क, मैं सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन के लिए बताता चलूँ कि आज सिर्फ फॉर्मल ग्राउंड ब्रेकिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों साइट्स के ऊपर काम काफ़ी पहले से शुरू हो चुका हुआ है। ओवरसीज़ प्राइम जो ब्लॉक है, ये प्राइम जो है सिर्फ और सिर्फ नाम की वजह से नहीं है, इसके अंदर सारी प्राइम फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि रोड जो है मिनिमम उसकी जो विड्थ है वो 50 फीट है। इसके अलावा ये मोस्ट एलिवेटेड लैंड है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे पूरे प्रोजेक्ट की एक स्काईलाइन नज़र आती है। ओवरसीज़ प्राइम और कैपिटल हिल्स ये दोनों ब्लॉक अगर हम ऐड कर लें तो चक्री रोड पे हमारे प्रोजेक्ट का फ्रंट माशाल्लाह 2.7 किलोमीटर हो जाता है, जो आप लोगों ने विटनेस भी किया अभी। और हमारी जो मेन एंट्रेंस है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, वो 180 फीट वाइड चक्री रोड से ओवरसीज़ प्राइम के अंदर से ही गुजर के जा रही है। इसके अलावा हमने एक हार्मनी पार्क का ब्लॉक लॉन्च किया था जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है काम चल रहा है। हार्मनी पार्क के अंदर जो है वो छोटे साइज़ के प्लॉट से जो ऑफ़र किए गए थे, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? जैसा कि हम हमेशा से क्लेम करते हैं कि स्मार्ट सिटी एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं है बल्कि एक मिनी इकॉनमी है, और इकॉनमी के अंदर आपके पास हर लेवल इनकम लेवल के लोग होते हैं, उसमें लोअर क्लास लेवल के लोग हैं, मिडिल लेवल इनकम लेवल के लोग हैं और हायर लेवल इनकम के लोग हैं। तो हमने ये जो ब्लॉक लॉन्च किया इसका मकसद ये था कि हम हर तरह के लोगों को वो फैसिलिटीज़ जो हम स्मार्ट सिटी में बड़े साइज़ के प्लॉट में ऑफ़र कर रहे हैं, वही फैसिलिटी वही फीचर्स हम उन लोगों को भी ऑफ़र कर सकें जिनका इनकम लेवल कंपैरेटिवली लो है। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे एजुकेशन सिटी, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एन जी टेक अल्हम्दुलिल्लाह साइन हो चुकी हुई है हमारे साथ। अलाइड स्कूल आउट ऑफ स्कूल जो स्कूल है वो हो चुका हुआ है। सिलिकॉन वैली का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे लोगों ने काम करना है, एम्प्लॉज़ होंगे। तो ये बेसिकली यहाँ अपार्टमेंट्स का भी जो कॉन्सेप्ट दिया गया था कि काफ़ी लोगों की जो हाउसिंग की रिक्वायरमेंट हो वो इस ब्लॉक के थ्रू पूरी हो सके। तो इंशाल्लाह इन दोनों ब्लॉक्स का जो फॉर्मली आज हम ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंस करेंगे, ये इवेंट हम पहले करना चाहते थे लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर सके।